Subscribe now to receive new updates every day. तीन बातें जो बताती हैं कि रोहित शर्मा कोहली से बेहतर कप्तान है। आज पाकिस्तान टीम और भारतीय टीम के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान की टीम को इससे पहले भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हरा चुकी है। एशिया कप में टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। वहीं अगर आज रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो वो सीधे तौर पर फाइनल में पहुंच जाएगी। आज हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जो रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तानी बनाती हैं। एक, अपना नेचुरल खेल जारी रखते हैं। कई बार देखा जाता है कि कोई बल्लेबाज अगर कप्तान बनता है तो उसकी बल्लेबाजी शैली में बदलाव आ जाता है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ये चीजें बिल्कुल नहीं है। बता दें कि रोहित शर्मा अपने नेचुरल खेल को टूर्नामेंट में जारी रखे हुए हैं, जो उन्हें बाकी कप्तानों से अलग रखता है। दो, मैच के हिसाब से लेते हैं फैसले। पहले मैच में हांगकांग टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान के साथ मुकाबले में उन्होंने केदार जाधव से गेंदबाजी कराई, जिसमें जाधव ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी को परेशान कर दिया। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जाधव से एक भी ओवर नहीं कराया। उन्होंने तब जडेजा पर भरोसा दिखाया। तीन, खिलाड़ियों पर दिखाते हैं भरोसा। रोहित शर्मा नए खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। इसकी बामगी पहले मैच में देखने को मिली जब उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही खलील अहमद को डेब्यू कराया। वहीं खलील अपनी छाप छोड़ने में कामयाब भी रहे। Thank you for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.